गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक स्टोरी समझाई थी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आज हम वो स्टोरी पढ़ेंगे। कम चिल्ड्रन, सिट हियर, आ जाओ इधर बच्चों, बैठ जाओ। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ अ बॉय हु वर्कड वेरी हार्ड टू डू व्हाट ही लव्ड द मोस्ट, ग्रैंडमा सेड। दादी माँ ने कहा, आ जाओ बच्चों, बैठो इधर, मैं आपको एक कहानी बताती हूँ उस लड़के की जिसने बहुत मेहनत की वो सब कुछ पाने के लिए जिसकी उसको चाह थी। हु वॉज दैट बॉय, ग्रैंड माँ, दादी माँ, वो कौन लड़का था? एंड वॉट डिड ही लव द मोस्ट, और उसको क्या सबसे पसंद था? आस्क मुकेश, मुकेश ने कहा, हिज नेम वॉज रफ़ी एंड ही लव टू स्टडी, उसका नाम रफ़ी था और उसको पढ़ना बहुत पसंद था। ग्रैंड माँ सेड, दादी माँ ने कहा। देन ग्रैंड माँ टोल्ड रफ़ी स्टोरी टू द चिल्ड्रन, तो ग्रैंड माँ ने फिर रफ़ी की स्टोरी बच्चों को बोलना शुरू कर दिया। रफ़ी वॉज 10 years old, रफ़ी 10 साल का छोटा बच्चा था। ही वॉज स्टडिंग इन 4th class when he had to quit school, वो महज 10 साल का था जब उसको स्कूल छोड़ना पड़ा, अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हिज फादर हैड डाइड एंड हिज मदर वॉज नॉट वेल, उसके बाप गुजर गए थे, अल्लाह के पास चले गए थे, और उसकी माँ बीमार थी, वो ठीक नहीं थी। ही हैड टू यंगर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स होता है भाई बहन, अपने से जो अपने भाई बहन होते हैं उनको सिबलिंग्स कहते हैं। तो ही हैड टू यंगर सिबलिंग्स, तो उसके दो छोटे भाई बहन थे। सो ही हैड टू वर्क टू सपोर्ट हिज फैमिली, तो उसको काम करना पड़ा अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। ही स्टार्टेड वर्किंग इन अ गैराज वेयर ही क्लीन्ड कार्स एंड प्रिपेयरटरी फॉर हिज मास्टर, तो उसने एक गैराज होता है जहाँ कार गाड़ियाँ वगैरह जो होते हैं ना उनको ठीक किया जाता है, तो उसको गैराज कहते हैं। तो उससे उधर ही काम शुरू कर दिया, उधर वो गाड़ियाँ ठीक करता था और चाय बनाता था जो उसका मालिक था उसके लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद ही लर्न टू रिपेयर कार्स, उसने सीखा कि गाड़ियों को कैसे ठीक करते हैं। बट रफ़ी स्टिल मिस्ड हिज स्कूल, लेकिन अभी भी उसको अपने स्कूल की याद आती थी। हिज फ्रेंड्स एंड हिज बुक्स, और अपने दोस्त और अपने किताबों की भी याद आती थी। हिज लव फॉर स्टडीज डिड नॉट डाई, जो उसका प्यार था, जो उसको मोहब्बत थी अपनी पढ़ाई से, अपनी किताबों से, वो मरा नहीं था। वो अभी भी उसको चाहत थी पढ़ने की, और वो उसके दिल में जिंदा थी। फ्रॉम ए स्मॉल सैलरी ऑफ 500 rupees पर मंथ, जो उसकी छोटी सी सैलरी थी 500 rupees पर महीने, एक महीने की जो 500 rupees उसको छोटी तनख्वाह मिलती थी, थोड़ी सी तनख्वाह मिलती थी। रफ़ी सेव्ड सम मनी टू बाय बुक्स, उसमें से थोड़े से पैसे रफ़ी ने बचाए किताबें खरीदने के लिए। ही वर्कड एट द गैराज ड्यूरिंग द डे एंड स्टडीड एट नाइट, तो उसने दिन में गैराज में, तो वो दिन में काम करता था और रात को पढ़ाई करता था। ऑन संडेज, इतवार के दिन, ही वुड गो टू द स्कूल हेड मास्टर्स होम, तो वो इतवार के दिन वो जो स्कूल का हेड मास्टर साहब थे उसके घर जाता था। द हेड मास्टर हेल्प्ड हिम इन हिज स्टडीज एंड एनकरेज हिम टू डू बेटर, तो जो हेड मास्टर साहब थे वो उसको मदद करते थे पढ़ाई में और उसको प्रोत्साहन देते थे, उसको आगे बढ़ने का हौसला देते थे, तो ताकि वो बहुत अच्छा कर सके, आगे बढ़े और बहुत अच्छा कर सके। ही मेड हिम जॉइन द स्कूल अगेन एंड अलाउड हिम टू डू हिज वर्क एंड स्टडीज एट द सेम टाइम, उसने उसको इजाज़त दे दी स्कूल आने की और साथ में
काम करने की और पढ़ाई और काम साथ साथ में ही करने की उसने उसको इजाज़त दे दी विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो बहुत बहुत, अब आप खुद सोचिए बच्चों, वो कितनी मेहनत करता था। एक तो स्कूल भी जाता था, फिर काम पे भी जाता था, फिर पढ़ाई भी करता था, तो कितनी कितनी मेहनत करता था। तो इतनी मेहनत करने के बाद, जब वो इतनी मेहनत करता था, रफ़ी पास्ड हिज एग्ज़ामिनेशन एट स्कूल, तो स्कूल के जो एग्ज़ाम थे उसके वो उसने पास कर दिए। नाउ ही वांटेड टू जॉइन द कॉलेज फॉर फर्दर स्टडीज, जो अब उसने वो स्कूल के एग्ज़ाम पास किया, अब वो आगे पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाना चाहता था। बट ही डिड नॉट हैव एनफ मनी फॉर द एडमिशन एंड द बुक्स, ही हैड टू वर्क टू अर्न। लेकिन उसके पास अब कॉलेज के जो किताबें वगैरह होती हैं महंगी होती है, फिर कॉलेज की फ़ीस भी महंगी होती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक तो एडमिशन भी ले लेता और साथ में किताबें भी खरीदता। ही हैड टू वर्क टू अर्न, उसको काम करना पड़ता था कमाने के लिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस वक्त पर द हेडमास्टर इंट्रोड्यूस रफ़ी टू योर ग्रैंडपा, जो हेडमास्टर साहब थे उसने रफ़ी को मिलाया आपके दादाजी से। ग्रैंडमा टोल्ड द चिल्ड्रन, तो दादी माँ ने ये सब बच्चों को बताया। ही सा रफ़ीज पैशन फॉर स्टडीज एंड एग्रीड टू हेल्प हिम, तो जो आपके दादाजी थे उसने रफ़ी का जुनून देखा पढ़ने के लिए, रफ़ी के प्यार देखा पढ़ने के लिए, तो वो मान गए उसकी मदद करने के लिए। एंड ग्रैंडमा कंटिन्यूड रफ़ी स्टोरी, और ग्रैंडमा ने जारी रखी रफ़ी की स्टोरी। Ravi was so passionate about his studies that he passed his college exams with good marks. वो इतना उसको जुनून था पढ़ाई का, इतना पसंद था, इतना प्यार था उसको पढ़ाई का, कि उसने जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स थे वो भी उसने अच्छे नंबरों से पास कर लिए। He joined the university and gave private tuitions to earn money for himself and his family. तो फिर उसने क्या किया, उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, आगे की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, और साथ में ट्यूशन पढ़ाता था, बच्चों को पढ़ाता था, और उनसे जो उस बच्चों को पढ़ाने से जो उनके घर वाले उसको पैसा देते थे, उससे वो अपने यूनिवर्सिटी का भी खर्चा निकालता था और साथ में घर का भी खर्चा निकालता था। रफ़ी टॉप्ड द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स एंड वॉज अपॉइंटेड एज अ टीचर इन द यूनिवर्सिटी, तो रफ़ी ने जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम थे उनको टॉप किया, मतलब बहुत अच्छे नंबरों से फर्स्ट पोजिशन में या किसी पोजिशन में उसने उसको पास किया, और उसी यूनिवर्सिटी में वो टीचर बन गया, उस्ताद बन गया। He always wanted to become a teacher. वो हमेशा से उस्ताद बनना चाहता था। With strong will and hard work, Rafi achieved his goal. तो अपने मजबूत इरादों से और अपने जो उसने बहुत मेहनत की, इससे उसने अपनी जो इच्छा थी, अपना जो उसने गोल बनाया था, अपना जो एम रखा था, उद्देश्य रखा था अपनी ज़िंदगी का, तो वो उसने हासिल कर लिया। So children, इसलिए बच्चों, what do we learn from रफ़ी story? तो अब हमने क्या समझा रफ़ी की स्टोरी से, हमने क्या जाना, हमें क्या सबक मिला? ग्रैंडमा आस्क, दादी माँ ने पूछा, where there is a will, there is a way. तो हमने यही जाना, हमने क्या जाना कि जहाँ चाह वहाँ राह। मुकेश वॉज क्विक टू रिप्लाई, मुकेश जो था जो बहुत उत्सुक था, ये सब बच्चों में जो मुकेश था वो बहुत उत्सुक था ये कहानी सुनने के लिए, तो उसने जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दिया कि जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है बच्चों, तो आगे वाले वीडियो में हम इसके सवाल जवाब करेंगे, ठीक है, और इसके जो मुश्किल वर्ड हैं उनका मतलब भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।